रात के इस वक्त 1:30 बज रहे हैं और इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर पटना से आ रही है। तेजस्वी यादव के आवास को पूरी तरीके से पटना पुलिस ने घेर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर को पटना पुलिस ने घेर लिया है। हजारों की संख्या में पुलिस बल के जवान इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। और ये खबर सामने आई कि तेजस्वी यादव के विधायक, जो आरजेडी के विधायक हैं चेतन आनंद, वो इस वक्त मौजूद हैं वहां पर तेजस्वी यादव के आवास पर। और इससे पहले भी पटना पुलिस गई थी। आनंद मोहन के बेटे, जो चेतन के छोटे भाई हैं, उनके ओर से एक सनहा जो है वो दर्ज कराया गया था। लेकिन अब हजारों की संख्या में पटना पुलिस के जवान और अधिकारी इस वक्त तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे हैं। और ये खबर है कि पूरी तरीके से नीतीश कुमार जो है वो एक धारदार तरीके से तेजस्वी यादव के खिलाफ चाल चल रहे हैं। लेकिन आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस वक्त डटे हुए हैं। चाहेंगे आपको सबसे पहले तस्वीरों को दिखाना। ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं 1:30 बजे रात का तस्वीर है। और इस अब से कुछ ही पल पहले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव के घर को चारों तरफ से जो है वो घेर लिया है पटना पुलिस ने। हालांकि वहां पर आरजेडी के कार्यकर्ता और समर्थक भी इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। इनकी भी संख्या हजारों में है। एक और पटना पुलिस के जवान हैं, अधिकारी हैं, जिनकी संख्या भी आप देख सकते हैं। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें सब कुछ गवाही दे रही है। और इससे पहले जब पटना पुलिस के जवान और अधिकारी वहां पर पहुंचे तो वहां पर साफ तौर पर यह नजर आया कि चेतन आनंद के ओर से यह प्रतिक्रिया दी गई पटना पुलिस को कि हम अपने मर्जी से यहां पर रह रहे हैं और हम यहीं पर रहना चाहते हैं। लेकिन अब पटना पुलिस की अगली कार्रवाई क्या होगी, ये देखें। इससे पहले देखिए तेजस्वी यादव की ओर से बयान भी सामने आ गए हैं। आरजेडी जो तेजस्वी यादव की पार्टी, उसने बयान जारी किए हैं। नीतीश कुमार ने सरकार जाने के डर से हजारों की संख्या में पुलिस भेज तेजस्वी जी के आवास को चारों तरफ से घेर लिया है। ये किसी भी तरह से किसी भी बहाने आवास के अंदर घुसकर विधायकों के साथ अप्रिय घटना करना चाहते हैं। बिहार की जनता नीतीश कुमार और पुलिस के कुकर्म देख रही है। याद रहे, हम डरने वाले और झुकने वालों में से नहीं है। ये वैचारिकी का संघर्ष और हम इसे लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बिहार की न्यायप्रिय जनता इस पुलिसिया दमन का प्रतिकार करेगी। जय बिहार, जय हिंद। तेजस्वी यादव के आवास को पटना पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, आखिर चल क्या रहा है वहां पर, क्यों आखिरकार तेजस्वी यादव के घर के बाहर लगातार जो है वो पुलिस बल की तैनाती की जा रही है। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो भी पुलिस के जवान वहां पर पहुंचे हैं सभी हेलमेट लगाए हुए हैं और जो पैड होता है वो पहने हुए हैं। और इनकी आखिर मंशा क्या है, ये तो समझ से पड़े है। लेकिन जब आवेदन मिला, जब पटना पुलिस के सीनियर अधिकारी वहां पर पहुंचे और सभी ने जो है वहां पर जाकर जाँच की और वहां पूछताछ किया, लेकिन फ्लोर टेस्ट से पहले आखिरकार तेजस्वी यादव के आवास पर इतनी संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करना क्या कहलाता है? आखिरकार ये तस्वीरें क्या बता रही है? और हमने आपको इससे पहले की रिपोर्ट में भी ये बता दिया था, हमने आपको स्पष्ट तौर पर बताया था कि हो सकता है देर रात जो है वो पुलिस यहां पर पहुंचे और फिर से यहां पर जो है पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति नजर आ रही है। ये हजारों की संख्या में पुलिस बल के जवान, अधिकारी और तेजस्वी यादव के आवास के बाहर इस वक्त का जो नजारा है, आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के परिजन के ओर से जो आवेदन दिए गए थे, वो कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर पॉलिटिक्स के जो है वो वजह से बताई जा रही है। लेकिन अंशुमान आनंद की शिकायत पर चेतन आनंद ने साफ तौर पर कहा कि वो अपने मर्जी से हैं यहाँ पर और किसी के मर्जी से नहीं, अपने मर्जी से हैं और यहाँ पर वो परिवार के लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। हालांकि अब वहाँ पर पुलिस बल की इतनी प्रतिनियुक्ति बता रही है कि नीतीश कुमार ने जो है एक कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को आगे से रोकने के लिए ये बड़ी चाल चल दी है। बहरहाल नीतीश सरकार का कल फ्लोर टेस्ट और फ्लोर टेस्ट से पहले तेजस्वी के घर को पुलिस छावनी में तब्दील कर देना
क्या दर्शाता है। एक एक अपडेट सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।